हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, जिसे हम स्टैंडर्ड 350 के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये इंडियन मार्केट की सबसे ज़्यादा लवेड, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली रॉयल एनफील्ड की बाइक है। और आपको बताओ, ये जो बाइक है ये हैंडमेड बाइक है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक को हाथ से बनाया जाता है और इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। बाइक जो है हमेशा बुकिंग पे आती है, ऐसे आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये नया मॉडल है क्योंकि ये A20 मॉडल है। देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे A20 की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में बात करने वाले। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं बुलेट 350 के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड 350 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके ना आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है? ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं। ये आप लोगों को एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,63,000, 1,63,000 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ लगभग 1,90,000, 1,90,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इसके रिव्यू में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप इस बाइक का फ्रंट देख पा रहे हैं। फ्रंट में यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी पायलट लैंप देखने को मिलती है और यहाँ पे भी आपको दो पायलट लैंप मिलती है जो कि बाइक ऑन करने के बाद चालू होती है। इसकी जो मेन लाइट है वो आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लाइट है। और इसकी जो विजिबिलिटी यानी कि जो इल्यूमिनेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो टर्न सिंगल लैंप है वो आपको इसमें बल्ब देखने को मिल जाते हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको बाइक में नॉर्मल जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है और काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन यहाँ पे कंपनी ने दिया जो कि 35 mm है। बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रंट टायर साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आप लोगों को बताना चाहूँगा इस बाइक में आपको अराउंड टायर साइज जो है 3.25x19 के जो टायर है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। बात कर ले ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में दोस्तों इसमें आप लोगों को सिंगल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है। जी हाँ, सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है। एंड फ्रंट में आप लोगों को बाइक में जो प्लेट साइज मिलता है वो 280 mm, 280 mm के आसपास की जो प्लेट साइज है वो आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। बताना चाहूँगा दोस्तों इंजन टाइप में आप लोगों को इस बाइक में 346 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूलिंग जो इंजन है वो आपको इस बाइक में मिलता है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें आप लोगों को 349 cc वाला इंजन नहीं मिलता। इसमें पुराना इंजन आता है 346 वाला जो कि रॉयल एनफील्ड का पुराना इंजन है। मैक्सिमम पावर में इस बाइक में आपको 19.1 के आसपास का PS पावर देखने को मिलता है एंड 28 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो रॉयल एनफील्ड की बाइकें होती है इनमें टॉर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पावर। कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग इंजन है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI देखने को मिलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। बाइक की बोर साइज 70 mm की है, स्ट्रोक साइज 90 mm के आसपास की मिल जाती है। इसमें आपको नॉर्मल 5 गियर देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको बाइक में नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको इस बाइक में मिल जाता है। सर तो दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिलता है एंड बाइक में आपको जो टॉर्क है वो ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। ये बाइक माइलेज में आपको अराउंड 35-35 के आसपास का माइलेज इजिली निकाल कर देती है। 0-100 में इस बाइक को लगभग 16 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 110 से 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों रियर की तरफ। रियर में आप देख पा रहे हैं ये बाइक का एग्जॉस्ट, और देख पा रहे हो कितना लंबा एग्जॉस्ट यूज होता है भाई रॉयल एनफील्ड में। हालांकि कोई चलाता नहीं है भाई, हमेशा चेंज किया जाता है। रियर में 3.25 के जो टायर साइज आपको रियर में मिलेगी, ये भी 19-inch व्हील है। साथ में आप लोगों को रियर में बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिल रहा है वो डुअल एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे सस्पेंशन आप ही दिए गए हैं। आप रियर का लुक देख लीजिए, कुछ इस टाइप का रियर का लुक आता है इसका। इसमें आपको जो टेल लाइट है वो आपको बल्ब देखने को मिलेगी एंड वहीं आपको जो टर्न सिंगल लैप है वो भी आपको बल्ब मिल जाते हैं। उसके बाद आप इसकी सीट देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पे कंपनी ने इसमें दी हुई है। यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटरेस्ट भी इसमें मिल जाता है। बात करते हैं इसके आप स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप का जो की है वो आपको इस बाइक में देखने को
मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, तो मैं इसे थोड़ा निकाल लेता हूँ। देख पा रहे स्पीडोमीटर में बाइक में आप लोगों को फुली एनालॉग जो मीटर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो फीचर मिलेंगे स्पीडोमीटर है या आपका किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको फ्यूल का मिलता है और यहाँ पे आपको इंजन वाल फंक्शन लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको ABS का मिल जाता है, ठीक है। फीचर में दिस इज पास सीट, लो बीम है, बीम टर्न सिग्नल है, हॉर्न, इंजन किल सीट यहाँ पे आपको मिलता है। सेल्फ नहीं आता, जो सेल्फ है दोस्तों वो ES मॉडल में आता है, ये स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें सेल्फ नहीं आता। ये इसके मिरर है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे मिरर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये भी एक बाइक जो है ना, एक इमोशन है इस बाइक, भी जो बाइक है ना ये भी एक इमोशन है। और जब इस बाइक में लगते हैं अलॉय व्हील और जब इस बाइक में लगता है एग्जॉस्ट, तो इसका जो फील आता है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। ताकि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को स्टैंडर्ड 350 कैसी लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ये बाइक कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना। इतनी धूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।